आज मैंने आपके सामने सूरह असर की तिलावत का शरफ हासिल किया। अब सूरह असर से मुतालिक तो अगर मुख्तसरन कहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि सूरह असर को फरियाद भी कह सकते हैं। सूरह असर को फरियाद भी कह सकते हैं, हम इसे सूरह सज्जाद भी कह सकते हैं। बेपनाह सूरह है, लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत से ऐसी मुताबिकत और मुनासिबत रखता है कि आप इसे न तफसीर बिर्राए समझेंगे न मुबालिगा कि हम इसे सूरह सज्जाद भी कह सकते हैं। कुरान हकीम पुराना जुमला है, बारहा अर्ज किया है कि कुरान हकीम अज़्वल ता आखिर कसीदे मुहम्मद वाले मुहम्मद है, लेकिन इसके बाद मकामात बाज सूरे किसी मासूम की ज़ात से खुसूसी मुनासिबत रखते हैं। मसलन सूरह मुबारक मुल्क तबारक लजी बियदिल मुल्क ये ख़ास मुनासिबत रखता है हज़रत इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रजहू। सूरह मुबारक क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र ये सूरह मुबारक भी अवलन तो आले मोहम्मद के पूरे मासूम शजरे से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन बतौर ख़ास इमाम असर अजलल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ से ताल्लुक रखता है। सूरह आसर सूरह क़द्र बजाय खुद एक मुस्तकिल दलील है कि हर दौर में किसी न किसी हुज्जत खुदा का वजूद लाजमी है। इसी तरह सूरह मुबारक फजर वल फजर वलयालिन عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ये सूरा सूरह हुसैन इब्न अली है। जवानान अजीज अगर गालिब ने किसी मासूम का कसीदा लिखा हो तो शौक से पढ़ते हो कि नहीं? अगर मरहूम मकफूर सैयद वहीदुल हसन हाशमी ने आपके शहर में होते थे बड़ी अच्छी मनकबतें लिखी हैं, बहुत अच्छे सलाम लिखे हैं, मरसिए लिखे हैं, उन्होंने मौला की जो मनकबत लिखी है शौक से पढ़ते हैं कि नहीं? और शुआरा खुद पढ़ते हैं, सुनते हैं, वज्द करते हैं, यही वालेहाना कैफियत कुरान के साथ होनी चाहिए। और ये मैंने गलत कहा, यही नहीं, इससे न जाने किस कदर ज्यादा बमरातिब कोई मुकाबला है, कोई मुनासिबत है। कहाँ कलाम मखलूक, कहाँ कलाम खालिक़।